चलिए बढ़ते आगे, कोडरमा की खबर है। 115 पीस कछुआ बरामद हुआ है। रेल पुलिस ने यह कार्रवाई की है और लेकिन मौका देखकर तस्कर फरार होने में कामयाब हो गया। कोडरमा स्टेशन पर छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है ये कछुआ। विदेशों में की जाती है कछुआ की तस्करी, बड़ी खबर दिखा रहे। हालांकि कछुआ तस्करी यहां भी अपराध है, कोडरमा की खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते सीधे अपने संवाददाता आर्यन का, हमारे साथ कोडरमा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आर्यन, जो जानकारी मिल रही है कि 115 पीस कछुआ रेलवे पुलिस ने बरामद किया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी सुबह पुलिस ने कोडरमा स्टेशन पर एक छापेमारी अभियान चलाया था, क्योंकि रूटीन चेकअप लगातार आरपीएफ के द्वारा की जाती है। तो इसी दौरान वहां भारी मात्रा में, क्योंकि बिहार बगल में है तो शराब की तस्करी इन दिनों जोरों पर है, तो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। तो एक बैग में पुलिस को शक हुआ कि शायद इसमें शराब हो सकती है, तो पुलिस ने जब छापेमारी की तो भारी मात्रा में उससे कछुआ बरामद हो गया है। अब तक जो कछुआ गिनती किया गया है आरपीएफ के द्वारा वो लगभग 115 पीस बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल बंगा खलार इलाका है डोमचांच का, वहां से ये कछुआ स्टेशन लाया गया था और पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी थी, और वहां से इन कछुओं की तस्करी जो है वो न्यूयॉर्क से लेकर और मलेशिया अन्य देशों में चीन चाइना भेजा जाता है। तो इसको लेकर भी पुलिस उस ओर भी पुलिस का निशाना जा रहा है और पुलिस उस ओर भी अनुसंधान अपना जारी रखेगी। फिलहाल तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल है इसके तहत तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है। और कोडरमा स्टेशन पर बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वो बैग दबाव वहां पे किसके द्वारा रखा गया था पुलिस इसकी भी जांच करेगी सीसीटीवी फुटेज से, उसके बाद ही पूरा जो मामला है वो क्लियर होगा। जी नहीं, लेकिन तस्कर भागने में फरार कामयाब हुआ आर्यन? जी बिल्कुल, डोमचांच इलाके से समय समय पर देखा जाता है ब्लू स्टोन की खदानें हैं, वहां पे कछुओं की तस्करी होती है, चाहे पत्थर की बात करें। तो लगातार जो तस्कर है वो काफी स्टैंडर्ड लेवल के हो गए हैं, अब उनको बिल्कुल भी पुलिस का भय नहीं रहा है। वो बहुत तरीके से आते हैं और सामान को एक जगह रखते हैं, अगर पकड़ा गया तो ठीक है और अगर नहीं पकड़ा गया तो वो लोग वहां से धीरे से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी के आधार पर वो पूरे मामले की जांच करेगी और जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आर्यन, आपका कोडरमा से हमारे संवाददाता तमाम जानकारी दे रहे थे। 115 पीस ये कछुए की जो खेप है वो रेलवे पुलिस ने बरामद किया है और बताया जाता है कि तस्करी के लिए ये कछुआ ले जाया जा रहा था, यहां से पश्चिम बंगाल जाता और पश्चिम बंगाल से फिर दूसरे देशों में इसे तस्करी के लिए भेजा जाता।